अगर जीता होता तो आप तो आप अपने आप को बोल रहे 2,80,00,000 वोट से जीते हैं, आपको मिला है, और हमें 2,28,00,000 हमें वोट मिला है। यह आपका 2,80,00,000 वोट आपका नहीं है, वो मेरा है। आपने छल बल करके हमें, इसीलिए आप डर रही है। हम कार्यकर्ता को हमसे मिलने आप नहीं दे रहे, नहीं तो क्या जरूरत था। हम आए थे इस क्षेत्र का पूरा पश्चिम बंगाल के, मैं तो केंद्रीय मंत्री हूँ, आज पूरा पश्चिम बंगाल के माइनॉरिटी के लिए क्या काम किए हैं आप? आप उनसे वोट लिए हैं, अब उनसे राजनीति का लाभ लिए हैं, लेकिन उनके लिए क्या काम किए हैं? आज हमारे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम करना चाहते हैं, राज्य और केंद्र मिलके इस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, लेकिन हर समय केंद्र के साथ लड़ाई झगड़ा जनता देख रही है। आने वाला दिन फिर से आप सोच रहे हैं, सपना देख रही है प्रधानमंत्री का, मुंगेरी लाल का हसीन सपना, तो छोड़ जाइए। 18 हम जीते, 2024 में हम 42 का 42 हम पा देखिए, अच्छा हम वोट अच्छा मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। अब जनता ने आशीर्वाद दिया है, इस बार भी नॉर्थ बंगाल में आशीर्वाद दिया है, साउथ बंगाल में भी आशीर्वाद, लेकिन आपने छल किया। हमारे कार्यकर्ता को डराया धमकाया जा रहा है, ज़्यादा दिन नहीं है, चलने वाले नहीं। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि दीदी डरी हुई है, अगर काल ये कार्यकर्ता जाग गए हैं अब चुपचाप बैठने वाले नहीं, कितना दिन आप रोकिएगा? दिल से आप काम कीजिए, दिल से काम करना, जनता का से अगर जीतना है तो काम करके आप दिल जीतिए। इस तरह से पुलिस प्रशासन को आप रास्ता में उतार करके जनता को आप नहीं रोक सकते हैं, कितना दिन रोकिएगा? जनता का दिल में हमारे प्रधानमंत्री घुस चुके, आने वाला दिन और आप जवाब देने वाला। देखिए, ये जनता का आवाज था, जहाँ जिसके पास जाना था चला गया, हर आने वाला दिन मैं जरूर उसके बारे में बातचीत करूँगा। अभी बोलिए, आने वाला दिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो दायित्व दिए हैं उस दायित्व के हिसाब से मैं आगे जनता के लिए मैं काम करूँ। दार्जिलिंग जा रहे हूँ, आज हमारे कार्यकर्ता से मुलाकात होगी, जरूर जरूर। वहाँ बहुत सारे माइनॉरिटी है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, सभी इनका माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, क्योंकि जो मिलना चाहिए पश्चिम बंगाल में केंद्र और राज्य सरकार साथ मिल के माइनॉरिटी के लिए काम करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार केंद्र के साथ नहीं मिलने के कारण से बहुत सारा योजना अभी तक रुका। आने वाला दिन मैं इनके लिए काम करूँगा, और बहुत सारा योजना हमारे प्रधानमंत्री जी उसको मैं घर घर तक पहुँचाऊंगा।